टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर लाखों की ठगी करने वाले नाइजीरियन ग्रुह का टिहरी पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस के ग्रुह के मास्टरमाइंड नाइजीरियन नागरिक और एक महिला को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन आरोपियों ने टिहरी घनसाली निवासी लक्ष्मी प्रसाद सिम्बाल से 27 लाख रूपए की धोखाधड़ी की थी। मामले में SSP टिहरी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि घनसाली निवासी पीड़ित लक्ष्मी प्रसाद सिम्बाल एक NGO संचालित करते हैं। पिछले साल उन्हें बैंक अधिकारी बनकर नाइजीरियन नागरिक इभोग जेरोम विक्टर ने फोन किया और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए 11 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया। सिम्बाल उसकी बातों में आ गए। आरोपी ने उन्हें फंड देने के एवज में सिक्योरिटी मनी देने को कहा। इसके बाद सिम्बाल ने ठग के बताए गए अलग अलग खातों में 27,80,500 रुपए डाले, लेकिन ठगों ने सिम्बाल के खातों में कोई रुपया नहीं डाला। उसके बाद सिम्बाल ने घनसाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर नोएडा से नाइजीरियन नागरिक इरी भुग जेरोम विक्टर और नागालैंड निवासी महिला लियांग पिखुमला चांग को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अलग अलग ATM कार्डों से सिम्बाल द्वारा जमा की गई धनराशि को निकाला था। वहीं नाइजीरियन आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपने विदेशी और भारतीय सेवायुक्त के साथ मिलकर बैंकों की मिलती जुलती वेबसाइट से बनाकर उस पर कस्टमर केयर की जगह फर्जी मोबाइल नंबर डाला था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने के लिए आर्थिक सहायता देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था। वहीं लोगों से वह विभिन्न शुल्कों के नाम पर नागालैंड में विभिन्न बैंक खातों में धनराशि मंगाता था, जिसे अलग अलग ATM के जरिए निकालकर अपने विदेशी और भारतीय साथियों को स्थानांतरित करता था। SSP नवनीत भुल्लर ने ठगों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। थाना घनसाली जनपद टिहरी में मुकदमा अपराध संख्या 51/2021, इसमें जो वादी मुकदमा है लक्ष्मी प्रसाद सिम्बाल, इनसे 27,28,000 की ठगी का प्रकरण था, जिसमें साइबर सेल टिहरी पुलिस और SOG द्वारा दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक हिरीबोगे जेरोम विक्टर है, नाइजीरियन नागरिक है ये, और इसकी पत्नी लियांग पिकुलमा चांग 35 वर्षीय, ये नागालैंड की महिला है, इनको अरेस्ट किया गया है।